हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आप आज अपन डिस्कस करेंगे फिनोल की जो लास्ट केमिकल रिएक्शन बची हुई हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन हैं जो आज कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स, और वो केमिकल रिएक्शन अपने एनसीईआरटी के अंदर से कवर है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। देखिए, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने राइमर-टीमान रिएक्शन जिसमें फॉर्मालिन कार्बोक्सिलेशन कवर कर लिया था, कोलबे सीमेंट या जिसको कोलबे रिएक्शन कहते हैं वो भी अपन ने कवर कर ली थी, और एक बेकलाइट और नॉलिक फॉर्मेशन की जो रिएक्शन थी दैट मीन्स लेडर मॉन्सी रिएक्शन वो भी अपन ने कवर कर ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जो रिएक्शंस रिमेनिंग बच रही है किसकी, फिनोल की। देखो कौन कौन से रिएक्शन बच रही है। सबसे पहले बातें करते हैं, एक अमोनिया के साथ में रिएक्शन है, एक जिंक के साथ में, एक रिडक्शन निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन, इसके अलावा ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है फिनोल की वो है, और इसमें भी ऑक्सीडेशन बहुत सारे हैं। देखो एक तो ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में, एक CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है जिसको अपन बोलते हैं, एक Na2 Cr2O7 के प्रेजेंस में, ऐसे ही एक अपने पास आएगा K2S2O8 पोटेशियम पर सल्फेट ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है भाई। ये ऑक्सीडेशन देखेंगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे एक रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, इसके साथ में विद थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन, और फिर देखेंगे अपन कन्वर्जेंस और एबीसी क्वेश्चन। तो ये टॉपिक्स आज अपन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर बात करें सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद अमोनिया, तो बात करता हूं मैं विद अमोनिया। देखिए अमोनिया के साथ में जब रिएक्शंस होती है तो एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो है ड्राई ZnCl2, ठीक है। तो ड्राई ZnCl2 यहां किसकी तरह काम करेगा, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो देखिए फिनोल की मैं रिएक्शंस करा रहा हूं अमोनिया के साथ में, ये फिनोल ले लिया और ये ले लिया मैंने NH3, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अमोनिया को, और यहां मैं डाल देता हूं इसका कैटलिस्ट ड्राई ZnCl2। तो क्या होगा, यहां से डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है भाई, एस्ट्रो बाहर निकल जाएगा, और इस बेंजीन रिंग से ये क्या अटैच हो गया, NH2, दैट मींस ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया। क्या बन गया भाई, एनिलीन, जिसको आपने हाई पिच में बेंजामाइन भी कहा था, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन थी, पहले वो थी अमोनिया के साथ में। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा, रिएक्शन दे रखी है लेकिन नेम ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ ऐड कर लेना। ये जो रिएक्शन है वो है कौन सी, बूचरर, थोड़ा सा नाम अजीब है पर लर्न तो करना पड़ेगा, बूचरर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, बूचरर रिएक्शन है, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, एक हल्का सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि अपन ने फिनोल लिया, शुरू से लेता हूँ बेंजीन ली, बेंजीन का मैंने कराया क्या क्लोरिनेशन, Fe के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन करवाया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, यस क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराई मैंने, एक्वस NaOH के साथ में, किस टेम्परेचर पर, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, यस थ्रू द एसन रिएक्शन ये क्या बन गया, फिनोल। और फिनोल की रिएक्शन जब अमोनिया से करवा दी ZnCl2 की प्रेजेंस में, ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एनिलीन। अब सुनिए यहाँ से रिएक्शन फिर चालू होती है कि अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन करा दूँ NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा था, याद हो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड वाला चैप्टर, कि यहाँ क्या बन जाएगा, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब बेंजीन डाइजेंस क्लोराइड की बहुत सारी रिएक्शन दे रखी थी, कैसे, अगर मैं Cu2Cl2 के प्रेजेंस में कराता हूँ HCl के साथ में, तो सैंडमियर रिएक्शन क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ऐसे अगर मैं Cu के साथ में अगर HCl लूँ, गाटरमान रिएक्शन क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यही रिएक्शन HBF4 के साथ में कराऊँ, ठीक है, कौन सी रिएक्शन थी, यस बताइए फटाफट, फ्लोरोबेंजीन बनेगा यहाँ पर, और यही की रिएक्शन थी जिसमें फ्लोरीन अटैच होता है, कौन सी रिएक्शन थी, बाल्ज सीमान रिएक्शन, याद आई, ये गाटरमान और ये सैंडमियर रिएक्शन। ऐसे अगर मैं इस फिनोल का अगर मैं नाइट्रेशन करवा दूं, ये अपन करवा चुके, चलो पहले एक बार कंसंट्रेटेड HCl4 से कराएं, तो अपन जानते ही है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और अगर इसमें ये कहा जाए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं आपको याद हो तो आपको अलग अलग टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ये 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये अप्रोक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, ये
15-20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। और फिर इसका अगर मैं नाइट्रिक एसिड से करा दूं तो ये अपने पास क्या बनता था, यस पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता था। बात समझ में आती है? तो यहाँ तक जो रिएक्शन थी वो अपन ने कवर कर ली थी। तो ये इस तरह का जो एग्जीक्यूशन है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन बोर्ड में तो बात कर रहे हैं, बोर्ड में तो आना ही आना है ऐसे क्वेश्चंस। चलिए फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका ले लीजिए, फटाफट ले लिए। चलिए आगे की जो रिएक्शन है वो है अपने पास रिएक्शन विद जिंक। जिंक की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन जिसमें बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड के लिए मैं इस जिंक का यूज कर सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू द फिनोल। यानी अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कर रहा हूँ बेंजीन के साथ में तो ये क्या बना देगा, सॉरी फिनोल की रिएक्शन अगर जिंक के साथ में करवाई दी जाए तो ये क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। देखो कैसे बात सेकेंड रिएक्शन की है, यहाँ विद जिंक, जिंक का क्या काम करेगा, डी ऑक्सीजनेशन करेगा। यानी ये क्या काम, तो सॉरी जिंक रिमूव ऑक्सीजन को कैसे करेगा वो देखें। तो जो फिनोल है अगर मैं इस फिनोल की रिएक्शन को इस जिंक मेटल के साथ करवाता हूँ और उसको फिर हीट करता हूँ तो ये जिंक क्या करता है, उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, डी ऑक्सीजनेशन हो रहा है और ये क्या बना देगा, यस अपने पास क्या बन जाएगा, ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। बात समझ में, अब देखो दो रिएक्शन हो गए अपने पास, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद जिंक और एक अपने पास हो गया एबीसी और कन्वर्जन क्वेश्चन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है रिडक्शन यानी हाइड्रोजिनेशन। क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोजिनेशन। और ये हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है भाई, मेटल की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, निकल मेटल की प्रेजेंस में। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो रिएक्शन रिडक्शन होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन रिंग वो क्या होंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे और क्या बनेगा अपने पास, देखते हैं सर, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, फॉर्म्ड रिड्यूस होगा और ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल इज फॉर्म। देखो रिएक्शन को देखते हैं, ये अपने पास है क्या, फिनोल और ये फिनोल ये पाई बॉन्ड। जैसे मैंने निकल मेटल डाला और रिडक्शन करवाया तो यहाँ ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर रिड्यूस हो गया, ये भाई पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, टोटल कितनी हाइड्रोजन यूज हो रही है, यस 3s2 हाइड्रोजन यूज हो रही है और ये रिड्यूस होकर क्या बना देगा, ये बन गया साइक्लो, सॉरी पाई बॉन्ड तो रिड्यूस हो गए, ये साइक्लो हेक्सेन और ये लगा दिया OH, क्या बन गया, साइक्लो हेक्सेनॉन बन गया। तो ठीक है, ये रिएक्शन थी अपने पास बेंजीन की रिएक्शन जो कि जिंक मेटल के साथ में हाइड्रोजिनेशन हो गया और निकल मेटल, निकल की प्रेजेंस में जिंक के साथ में ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बेंजीन बन गया और निकल की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग रिड्यूस होकर क्या बना रही है, साइक्लोहेक्सेनॉन बना रही है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर कवर कर लेना। आगे की जो रिएक्शन है वो अपने पास बच रही है ऑक्सीडेशन की। देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहां से आप एक्टिविटी क्वेश्चन भी कर सकते हो और लैब के अंदर फिनोल का जब ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप फिनोल का डिटेक्शन की जाती है, किया जाता है, तब भी ये क्वेश्चन या इक्वेशंस यूज होती है। देखिए मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ फिनोल और जितनी भी रिएक्शन है फिनोल की ऑक्सीडेशन की वो सारी की सारी एड करता हूँ। ये ले लिया मैंने फिनोल, अब फिनोल को मैंने क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर एयर के अंदर ओपन कर दिया, ओपन इन एटमॉस्फेयर एयर। तो यहाँ ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर ये एक पिंक कलर या रेडिश ब्राउन, पिंक या रेडिश ब्राउन कलर का एक कंपाउंड देगा बुरा, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेक ब्राउन कलर का, वो कंपाउंड मिलेगा और वो कंपाउंड क्या है, बेंजोक्विनोन। क्या है भाई ये, बेंजोक्विनोन है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर ये जो प्योर फॉर्म में होता है तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड।
लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये लिक्विफाई होता जाएगा, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है। ये किस कलर का होता है, ये पिंक या डिस ब्राउन कलर का होता है। दूसरा, यही क्वेश्चन अगर यही ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 की प्रेजेंस में करवाया जाए तो भी यही कंपाउंड बनेगा भाई, क्या बनेगा, बेंजो क्विनोन ही बनेगा। सेम हियर, अगर मैं यही ऑक्सीडेशन Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करा दूं तो भी बेंजो क्विनोन का फॉर्मेशन ही होगा। तो तीनों रिएक्शन सिमिलर है, केवल और केवल रिएजेंट डिफरेंट डिफरेंट है, जिनसे ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है, बेंजो क्विनोन बना रहा है। आगे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ K2S2O8 की प्रेजेंस में, इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन है, पोटेशियम पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा भाई, फटाफट बोलो, यहां बनेगा, आप लोगों ने अगर क्विनोल का नाम सुना है, क्विनोल, ये OH और ये OH, यानी 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोल रहा हूं, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कह दो, या इसी का कॉमन नेम क्या था, बिल्कुल क्या था, क्विनोल, क्विनोल, क्या है, क्विनोल, ठीक है। तो इस तरह से यहां ये फिनोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कवर होता है। अगर आप याद कर लो तो इसकी दो रिएक्शन हो रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से याद करें तो एक तो है केमनोफोर की प्रेजेंस में, तो केमनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, CO2+H2, ये कंपटीशन के पर्पस से। और अगर यही रिएक्शन KClO3 से करवा दी जाए क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड बनता है। ये तो अपन जानते हैं क्या है, किनोन है ये वाला बेंजो किनोन, और इसके ये दोनों जो पेरा और ये जो पोजीशन है जहां पर एक एक हाइड्रोजन लगी हुई थी, वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर क्या बन जाता है, यहां पर Cl जुड़ जाता है और ये बन जाता है परक्लोरेट, क्या कह रहा हूं इसको, सॉरी क्लोरोनिल बोलते हैं इसको, क्लोरो किनोन, क्या बोल रहे हैं इसको, एक बार देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, यस क्लोरोनिल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्लोरो ने या टेट्रा क्लोरो किनोन, या इसको क्या कहते हैं, टेट्रा क्लोरो किनोन। तो इस तरह से अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर कवर कर लिया ऑक्सीडेशन ऑफ बेंज फिनोल। चलिए फटाफट स्क्रीन छोड़ लीजिए इसका, चलिए हो गया। चलिए लास्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पर वो क्या है, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, चलिए ये भी कवर करते हैं अपन। लास्ट सेक्शन देखिए बात करें, वो है किसके साथ में, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखिए थैलिक एनहाइड्राइड की बात करें तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा कैसे, तो ये सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अपन ने नाम सुना है थैलिक एसिड का, यस सुना है, बिल्कुल सुना है। ये है अपने पास बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको थैलिक एसिड कहा जाता है। अब ये क्या होगा, डिहाइड्रेशन करा दो P2O5 की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये वाटर डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहां पर, और ये बना लेगा अपने पास थैलिक एनहाइड्राइड, यानी थैलिक एसिड से अपन ने क्या बना लिया, थैलिक एनहाइड्राइड बना लिया। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपनों किससे करानी है, फिनोल से करवानी है। तो देखिए रिएक्शंस कैसे होगी, बस ये ध्यान रखना कि ये कंपाउंड कैसे बन रहा है थैलिक एनहाइड्राइड, ये भी ध्यान रखना, थैलिक एनहाइड्राइड। देखो क्वेश्चन रिएक्शन क्या थी, ये ले लिया मैंने फिनोल के 2 मोल्स, समझिएगा वैसे कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये फिनोल के ये 2 मोल्स, और यहां ले लिया मैंने ये थैलिक एनहाइड्राइड, ये लीजिए।
अब यहाँ डाल दो आप कंसंट्रेटेड H2SO4, और अपन जानते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 किसका काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। और अपने पास क्या बन रहा है देखो गौर से, ये फिनोल की बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशन से ये थैलिक एनहाइड्राइड इस तरह से बाइंड हो गया जेली। ये कलरलेस होता है भाई, और इस कंपाउंड का नाम है फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन क्या है ये, फिनोफ्थैलीन। अब ध्यान रखना, ये कहा जाता है कि अगर इस फिनोफ्थैलीन के अंदर एक ड्रॉप एनियोज की डाल दी जाए, केवल एक ड्रॉप बेस की डाल दी जाए, तो इसका कलर कैसा जाएगा, यस पिंक कलर। ये देखा, बात समझ में आ रही है। चलो ये फटाफट इसको स्क्रीन कर लो। यहाँ पर भी ये जो नेम फिनोल की जो कंप्लीट रिएक्शन थी वो अपनी कवर हो गई है, ध्यान रखना। यहाँ आज अपन ने कंप्लीट फिनोल रिएक्शंस कवर कर ली है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, जितनी भी रिएक्शंस हैं उनका एक चार्ट बनाना है, जो मैंने आपको बताया था कैसे करना है, एक तरफ प्रिपरेशन मेथड, एक तरफ फिनोल, और एक तरफ उसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और कन्वर्जन भी करते हैं अपन, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे है कि अगर मैं यहीं से क्वेश्चन उठाता हूँ, देखो क्वेश्चन को यहीं से कवर करते हैं अपन, कन्वर्जेंस की बात करें एक बार। तो वैसे मैंने बेंजीन से तो बता रखा है, अभी बताया था मैंने, यहीं से ले लेते हैं एक बार। एक जैसे मैं ले लेता हूँ बेंजीन, दूसरा मेथड यूज कर लेंगे। ये बेंजीन ले लिया, और बेंजीन की रिएक्शन मैंने करा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है। तो अपन जानते हैं क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का पहले मैंने करवाया एनियोज के साथ में रिएक्शन, और फिर दूसरा क्या करवा दिया इसका साथ में, यस एसिडिफाई। तो अपन जानते हैं क्या बना लेगा, बिल्कुल ये क्या बना लेगा, फिनोल। आप सुनिए, फिनोल के रिएक्शन अगर मैं ये कह दूं थैलिक एनहाइड्राइड से करा दूं, थैलिक एनहाइड्राइड से फिर ये कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड के अंदर मैंने एनियोज डाल दिया, जिसका कलर कैसा है भाई, पिंक कलर हो गया। ऐसा अगर मैं बात करूं इसकी रिएक्शन की, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं वाटर के साथ में ब्रोमीन एक्वस Br2 के साथ में, तो अपन जानते हैं क्या बनाता है, यस 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाता है। ऐसे अगर मैं इसका नाइट्रेशन करा दूं कंसंट्रेटेड H3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट, यस पिक्रिक एसिड। जवाब दे सकते हो, आपको चैट बॉक्स चालू है आपका, यहाँ आप अपने क्वेश्चंस के जवाब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसी फिनोल की बात करूँ, तो देखिए अगर मैं अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये देता है बूचलर रिएक्शन के थ्रू एनिलीन, और अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो ये बेंजीन देता है, अभी बताया। अगर मैं K2S2OA डालूँ फॉर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ये कहता देता है क्विनोल देता है। और अगर मैं इस एनिलीन की बात करूँ, एनिलीन से बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड बना सकता हूँ, और बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो मैं इसके साथ में अटैच कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप कन्वर्जन को और एबिसिवेशंस को भी कवर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए अपन ने अलग से, आपको जो रोशनी है वो थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन दिखेगी जरूर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने कर लिया है वो इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।